और भाई लोग, दूसरा व्लॉग आज का। आज से दो ही व्लॉग आएंगे, बिकॉज 5 की जगह 10 मिनट कर दिए मैंने। इमेजिन सम डे यू वेक अप, जस्ट मतलब सोचो, नॉट वो पीछे वाला हटा दो। इमेजिन कभी ज़िंदगी में ऐसा दिन आए कि यू हैव टू, इट्स अ फनी बट डोंट टेक मी रॉन्ग, कि आप अगर ऐसा दिन आया अगर आपकी लाइफ में, कि अक्सर क्या होता है नॉर्मल फैमिली में, कि ये पेरेंट्स मतलब आपको सिखाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता, ये पीछे मतलब जो मतलब यूजुअली दे टीचर्स। बट इमेजिन अगर आपको आपके पेरेंट्स को समझाना पड़े। तो बस वही काफिला चालू है मेरे घर पे, पूरा घर बैठा हुआ है। मैं, माय मॉम, मेरे भाई की अभी भी नई शादी हुई है, तो उसको लेके सब झगड़े चालू हैं। सो मतलब इमेजिन करो ना, रोज़ का यही होता है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट बेबी। आई जस्ट फिनिश, कैसा भी माहौल हो, आई जस्ट फिनिश्ड माई वर्कआउट। आज मैंने बैक लगाई है एंड मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा बैक के रिलेटेड। लोअर बैक को कहते हैं ना, आई एम जब मैंने मतलब बैलेंस कर दिया, मैंने अपना चिकन चिकन लेग्स जो हो गए थे वो मैंने अपना बैलेंस कर लिया, नाउ दे आर नॉर्मल। तो उसकी वजह से आई थिंक मुझे इंटीरियर पेल्विक्स, आई एम सफरिंग राइट नाउ। मतलब सिंपल इन सिंपल वर्ड्स, कमर में गड्ढा कहता है ना। तो मैं पिछले 2 दिन से लगातार उसके पीछे लगा हुआ हूँ, क्योंकि संडे इज़ मतलब ये 2 दिन बाद संडे ही है, शॉर्टलेस होना है मुझे। मैं शायद अपने लेग्स ना दिखाऊँ फिर भी, बट अपर बॉडी दिखाऊंगा मैं अपना 100% श्योर, मतलब 101%। और मैंने कहा 6 बज रहे हैं, तो लेट्स गो एंड शूट 21th व्लॉग, day 6, वेरी हैप्पी। 500 460, सॉरी लास्ट व्लॉग मैंने कहा था 500 आवर्स, नॉट आवर्स बट 460+ मिनट्स वॉच टाइम हो चुका है, काफ़ी सारी लाइक्स हो गई है एंड दैट्स इट। सब्सक्राइबर तो नहीं, 2 पे ही अटके हुए हैं, बट दैट्स नॉट द क्वेश्चन। कल जो हमने अनाउंसमेंट किया है, आई एम टोटली वर्किंग ऑन इट, 24 घंटे हो गए उस बात को। 3 बार वर्कआउट किया मैंने 2 दिन में, एक मतलब एक दिन में। और करंटली मतलब चारों योद्धा, लेट्स टॉक अबाउट द वॉरियर। एक एक अकेला योद्धा, हमने सिंगल वॉरियर चारों दिशाओं से घिरा हुआ है, अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मतलब इस अपने आप को भी देख रहा है। विल इवन हैव टू लुक, मतलब व्यूअर्स के बारे में भी देखना होता है। सो भाई भाई, अरे दूर हो जा भाई। सो दैट्स इट भाई, वर्कआउट करना ज़रूरी था, एक आधा घंटा पौना घंटा, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स मैंने बैक लगाई कॉन्स्टेंट, बिकॉज काफ़ी गंदा लग रहा था आज, मैंने आईने में देखा कल। सो दैट्स कॉल्ड इंटीरियर पेल्विक, और उसके पीछे भी एक वर्ड है, 3 वर्ड्स का है वो। सो एक 1.5 महीने से लेग्स कर रहा था मैं कॉन्स्टेंट एवरी डे, तो शायद उसकी वजह से मुझे कमर पे भी शायद ये हो गया, गड्ढा हो गया। कोई नहीं, 2 दिन में हो जाएगा ठीक, एंड 99% आई एम गोनो गेट शर्टलेस। पिछले 2 साल की फिजिक दिखाऊंगा, 2 साल होंगे मुझे। यू वॉन्ट बिलीव, January 2018, या ओके, या आई वॉज 98 kgs। आई यूज टू वेयर XXL क्लोथ्स, और वो आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं, XXL 98 kgs, 6 फीट लंबाई थी मेरी। एंड देन January 2019, यू वॉन्ट बिलीव, स्टार्टअप के चक्करों में, अपने आप से नहीं, स्टार्टअप के चक्करों में आई वॉज 62 एक ही साल में। यू वॉन्ट बिलीव इट, मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज कैमरे के सामने मैं पहली बार आ रहा हूँ, सो आई कैन नॉट, भाई मान लो, आई एम नॉट जोकिंग। 25-27 किलो का फ़र्क एक साल में, बड़े भाई व्यूवर्स। मतलब काफ़ी पूरा बॉडी इनबैलेंस हो गया था मेरा January 2019 में, देन आई गॉट सीरियस कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और उसके ठीक 1 महीने पहले मैंने अपना बिजनेस चालू किया था, December mid में,
अहमदाबाद शहर में, वो तो बता सकता हूँ मैं। सो मतलब यू वॉन्ट बिलीव, 1 साल में, हालांकि पिछले 6 महीने काफ़ी कुछ मैंने किया था अपने, मैंने कहा था वज़न काफ़ी बढ़ रहा है तो लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। सो मतलब फिर पीछे के 6 महीने में जो हादसा हो गया ना मेरे साथ, बड़े भाई 62 kgs, एंड नाउ आई एम, यू वॉन्ट टू नो करंटली, मतलब नवंबर एंड दिसंबर ले लो, चलो नवंबर रखता हूँ, नवंबर 26th आई थिंक 25th जो भी है, नवंबर एंड 2019, इट्स 70 kgs, पिछले 3 महीने से लगातार मार रहा हूँ कैलिस्थेनेटिक्स। सो 3 महीने में करीबन मैंने 5 किलो का बड़ा वो किया है, बढ़ोतरी हुई है, और 75-78 मेरा टारगेट है अभी पिछले 4 हफ्ते में। इफ़ यू वॉन्ट बिलीव इट, चलो मैं आपको वो करके भी दिखाऊंगा मेजरमेंट सब। 6 फीट मेरी हाइट है एंड आई एम 70 kgs, एज नॉर्मल ही है, और भाई यही बातें करेंगे, तो मज़ा आ रहा है। मतलब इमेजिन सम डे यू वेक अप, चलो छोड़ो वो बात को, सॉरी सॉरी, दिल्ली भी था मैं तो थोड़ा मिक्स हो जाता है मेरा। अभी गुजरात के बिल्कुल एंड पे बैठा हुआ हूँ, मतलब खुश तो हूँ मैं, अपने आप से तो खुश हूँ, लेकिन अपने आसपास जो लोग हैं ना उनसे खुश नहीं हूँ मैं। डोंट टेक इट नेगेटिव, बट चलो कोई बात नहीं, इतना ही रखता हूँ मैं। सो वेट टिल द संडे बेबी, थर्सडे ख़त्म हो गया, 4 और वर्कआउट रहेंगे, मतलब ओके, सो लेट्स मीट यू टुमारो, इज नथिंग टू से मच, ओके एंड दैट्स इट, दैट्स माई कप ऑफ थिंकिंग, जो पी के मुझे आइडियाज़ आते हैं। सो भाई दैट्स इट, गुड बाय, टेक केयर।